नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब का ट्रांसफर करके जिन अफसर को लगाया गया उनका नाम अमजद जावेद सलीमी साहब है, जिनका नोटिफिकेशन पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब सलीमी साहब का जो एक बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी हमने थोड़ी रिसर्च की है, वो भी आप तक बताते चले। अमजद जावेद सलीमी पुलिस सर्विसेज के 14वें कमांड से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अमजद जावेद सलीमी की तैनाती के दौरान सियालकोट जेल में 7 जजेस का कत्ल हुआ था, लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था और बादामी बाग में मसीही बस्ती जलाने के वाकयात भी पेश हुए थे। ये इनका करियर बैकग्राउंड है। मुजाहिद शेख साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हमारे साथ हैं। मुजाहिद शेख साहब, साद रसूल से कानूनी सवाल पूछना चाहते हैं। मुजाहिद साहब, ओवर टू यू। साथ साथ मुजाहिद शेख बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उन शहरों में या उन इलाकों में, वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती या पूरे मुल्क भर में? एक तो ये मेरा ये सवाल है। दूसरा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर वक्त हुकूमत वक्त इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब कर ले, तहरीरी तौर पर उन्हें लिख कर भिजवा दिया जाए कि इस पुलिस ऑफिशल को हम तब्दील करना चाहते हैं, तो क्या कानून उसकी इजाज़त देता है? इसके बारे में रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि जो अभी अमजद जावेद सलीमी साहब का आपने इंट्रोडक्शन करवाया मदीहा, वो थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि उन्होंने अपनी करियर के अंदर यहां पे हमले को तो कभी भी नहीं भूल सकते, क्रिकेट आई नहीं उसके बाद, हाउ कैन वी फॉरगेट। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी आपको डिनाई नहीं कर रहा, आपको मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने अपने करियर के अंदर बहुत से अच्छी चीज़ों को भी ओवरसी किया है। उनकी रेपुटेशन जो है वो एज ए प्रोफेशनल भी ठीक है, लेकिन हम अगर क्योंकि कानूनी इफेक्टिवली इशू है तो हमें इसको इंडिविजुअल्स के कैलिबर के ऊपर नहीं बल्कि कानून के तनाज़े के अंदर ही रखना चाहिए। अमजद जावेद सलीमी साहब को अगर आज से 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद आईजी पंजाब लगा दिया जाए तो कानून का उसके अंदर कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा और हम उसको वेलकम करेंगे इस बात को, अगर वो मेरिट्स के ऊपर हुकूमत का ख्याल है कि उनको लगा दें तो उनके हम पर्सन के ऊपर बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम सिर्फ कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। अब एंड फॉर द रिकॉर्ड मेरा ख्याल है कि ही इज़ अ वेरी एक्सेलेंट एंड फाइन ऑफिसर, जिस तरह मोहम्मद ताहिर साहब भी बहुत ही एक्सेलेंट और फाइन ऑफिसर है। लेकिन मैं आपके जरा सवाल का जवाब दूं जो मेरे से भी पूछा गया। पहले सवाल का जवाब यह है कि क्या जहां पे सिर्फ इलेक्शन हो रहा होता है सिर्फ वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या पूरे पाकिस्तान में होती है? तो उसका सिंपल जवाब है कि सिर्फ जहां पे इलेक्शन हो रहा होता है वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर लाहौर शहर के अंदर इलेक्शन हो रहा हो तो आप आईजी पंजाब, क्योंकि लाहौर का भी आईजी है और राजनपुर का भी आईजी है और मुल्तान का भी है और पिंडी का भी है, तो उनके ताबे ये इलेक्शन हो रहा है, आप आईजी पंजाब को रिमूव नहीं कर सकते, सीसीपीओ लाहौर को रिमूव नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर, लेकिन लाहौर में इलेक्शन हो रहा हो तो आप डीआईजी मुल्तान, जहां पे मुल्तान में अगर इलेक्शन नहीं हो रहा तो आप डीआईजी मुल्तान को जरूर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। लेकिन अगर जो ऑफिसर ट्रांसफर हो रहा है उसकी जुरिसडिक्शन इलेक्शन के जहां पे इलेक्शन हो रहा है उस जगह पे आती हो तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा। और दूसरे सवाल का जवाब भी इसी के अंदर था कि इसमें कोई कदगन नहीं, ये कहीं पे कानून में नहीं लिखा कि ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स नहीं हो सकती, ये कानून नहीं है। कानून में सिर्फ ये लिखा है कि इलेक्शन या कानून सुप्रीम कोर्ट की जो बताई जजमेंट्स और गाइडलाइंस हैं उनमें ये है कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि आप अगर आज एक आईजी लगा दें या चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दें और किसी वजह से एबीसी वजह से वो कल अपना काम ना कर सकता हो, बीमार हो जाए, मुल्क से बाहर जाना पड़ जाए, कोई और मजबूरी हो, कोई उनके खिलाफ करप्शन की एलिगेशन इस तरह की आ जाए कि उनसे क्राइम सरजद हो जाए और हुकूमत वक्त ये सोचे कि हमें इस मौके पे एक नया अफसर चाहिए, तो वो अज खुद उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको लिखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन वजह का तायुन करने के बाद कि क्या ये कोई सियासी या पर्सनल वजह तो नहीं है, क्या वाकई मेरिट पे ट्रांसफर हो रही है, क्या वाकई इस ट्रांसफर की जरूरत है, ये गैर जानबदार ट्रांसफर की जा रही है, गैर जानबदार शख्स को लगाया जा रहा है, ये तायुन करने के बाद इलेक्शन कमीशन इजाजत दे सकता है और ट्रांसफर हो भी सकती है। तो ये ऐसी नौबत क्यों आई कि इजाजत तलब किए बगैर ही आप किसी का ट्रांसफर करके नए आईजी को तैनात कर, ऐसी नौबत क्यों आई, क्या ऐसा गुनाह किया था मोहम्मद ताहिर साहब? मेरा ख्याल है कि ये बात तो बिल्कुल मोहम्मद मुशावर साहब से हम रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं जाना चाहिए, लेकिन कम से कम
कम अज कम जब भी हम बिशारत साहब से लॉन्ग साहब से हमारी बात हो जरूर ट्रांसफर की वजह भी पूछिए, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर पूछिए कि अगर आपने ट्रांसफर करना ही था तो आप 10-1 दिन इंतजार कर लेते, इलेक्शन खत्म हो जाता आपके ऊपर, इलेक्शन कमीशन की जो कदम थी वो खत्म हो जाती, आप कर लेते बड़ी शिक आपको क्यों नहीं पता था। लेकिन साद रसूल साहब इसकी वजह तो जो वफाकी वजीर है फवाद चौधरी साहब उन्होंने आज बता दिया कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, इस बात का उन्होंने बर्मला इजहार भी कर दिया और उन्होंने कहा इस वजह से उन्हें तब्दील किया गया है, वही गवर्नमेंट जो है उनको डिलीवर ना करने का इल्जाम लगा रही है और वही गवर्नमेंट उनको पहले ये कहती थी कि बड़े अच्छे प्रोफेशनल आदमी है उन्हें इसलिए लाया गया, हालांकि वो 21 ग्रेड के हैं और ये पोस्ट जो है 22वें ग्रेड की है, लेकिन उन्हें लाया गया। तो इतनी जल्दी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1-2 दिन में कोई भी शख्स और उन्हें आते ही सबसे पहले मुहर्रमुल हराम का जो है वो सारा कुछ देखना पड़ा और उसके बाद जिमनी इलेक्शन आ गए, इतनी उजलत में और इतनी जल्दबाजी में फैसले नहीं होने चाहिए। और आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि जो अमजद जावेद सलीमी साहब हैं वो बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, जब वो सीसीपी और लाहौर रहे तो उन्होंने एक ऐसा फार्मूला यहाँ पर लाहौर में लगाया था कि हर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ये कहा कि जो मोटर बाइक पर जाने वाला शख्स है जिसके पास कागज नहीं है उसे बंद कर दिया जाए मोटर बाइक वाले को, और उसकी तस्दीक सर्कल ऑफिसर करके उस मोटर बाइक को जब वो कागजात लाएं थाने में पुलिस स्टेशन में तो छोड़ दिया जाए। तो आपको ये हैरान होंगे इस बात पे कि लाहौर में कम अज कम चोरियां मोटरसाइकिलों की ना होने के बराबर हो गई थी और तमाम लोग अपनी मोटरसाइकिलों की जो कागजात हैं वो साइज के ऑफिसर बनवाने लग गए थे, और अब जब वो आईजी सिंध रहे हैं अमजद जावेद सलीमी साहब तो उन्होंने ग्रीन पुलिस के नाम से एक वहां पे प्रोग्राम शुरू किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो शख्स भी पुलिस एहलकार है वो एक पौधा उसमें एक अपने नाम का पौधा लगाए। तो इस तरह के उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन वो जब माजी में जो वाकया जिस तरह से मदिया ने बताया कि जो सियालकोट में हुआ या लाहौर में श्रीलंकन टीम का हुआ तो इसमें तो वो जाहिर है जिम्मेदार उस तरह से तो उनको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं। ये जरूर होता है कि पुलिस ऑफिसर जो इस तरह की सीनियर ऑफिसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी जरूर होती है कि उनके नीचे वाले जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और आपकी साथ साथ ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये एतराज है कि अगर हुकूमत वक्त ने आईजी पंजाब को तब्दील करना था तो उसका कोई तरीकेकार था, सिर्फ हफ्ता या 10 दिन की बात थी, और इस बात को आप भी यकीनन तस्लीम करेंगे कि अब मोहम्मद ताहिर साहब आईजी पंजाब नहीं रहेंगे, उनकी जगह पे चाहे अमजद जावेद सलीमी साहब आ जाए या कैप्टन आरिफ नवाज आ जाए या कोई और आ जाए, कोई ना कोई आईजी उनकी जगह पे अब आएगा, क्योंकि अब खलिश जो है वो इख्तलाफात जो है वो ओपन हो चुके हैं। नाज़रीन को क्लियर कर दीजिए, क्या मोहम्मद ताहिर साहब दोबारा से यहाँ पर नहीं तैनात होंगे, क्या कोई और फेस आएगा? नहीं, मैं इसमें वजाहत करूं और मैं बिल्कुल मैंने बात भी यहीं से शुरू की थी और मैं इसको रीएम्फसाइज करना चाहता हूं कि ताहिर साहब की भी और अमजद और सलीमी साहब की भी हम प्रोफेशनल रेपुटेशन को सराखों पे रखते हैं, बड़े अच्छे अफसरान हैं दोनों, बड़े अच्छे अफसरान हैं, जहां पे भी पोस्ट होंगे वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। हम इस वक्त फर्द की बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल सवाल था, अगर मैं उससे कनेक्ट कर सकूं, कि फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया कि डिलीवर नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि हुकूमत की नजर में ना डिलीवर कर रहे हों और हुकूमत अपने ये फैसले खुद कर सकती है, या राजा बशारत साहब जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं और वो आपका फोन शायद नहीं उठा रहे, अगर उनसे पूछा जाए, ये दोनों लोग फवाद चौधरी साहब भी और राजा बशारत साहब भी दोनों लोग कानून को समझते हैं, वकील रहे हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। इलेक्शन के टाइम पीरियड के अंदर और खुद आईजी रहे हैं वो। अच्छा, नासिर दुरानी साहब जो कि मुशीर हैं अभी वजीर आजम के पुलिस के खिलाफ, नासिर दुरानी साहब के बारे में एक बात करूं कि अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि नासिर दुरानी साहब ने रिजाइन कर दिया है। अच्छा। ये रिपोर्ट आप काइंडली कंफर्म कर लीजिए, लेकिन हम मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि नासिर दुरानी साहब ने अगर आपकी ये खबर दुरुस्त है तो इसका फिर कोई कनेक्शन मेरा ख्याल है मोहम्मद ताहिर साहब के तबादले के साथ भी हो सकता है,
हो सकता है वो इस बात पे नाराज हो। नहीं, नहीं, इसी, इसी इसी एपिसोड की वजह से मेरा ख्याल है। जी हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि इसी एपिसोड की वजह से, ख्वाह वो ट्रांसफर की वजह से या कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से, बट आइदर वे नासिर दुरानी साहब की बड़ी इंटेग्रिटी है। नासिर दुरानी साहब को इससे बेहतर पोस्ट भी ऑफर की गई थी, इंटरिम चीफ मिनिस्टर के लिए भी उनका नाम आ रहा था, उन्होंने केपी के अंदर बड़ा काम किया है, नया कानून इंप्लीमेंट करवाया है। तो मेरा तो अभी आई एम श्योर के आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में वो अपनी वजाहत खुद कर देंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरा अंदाजा ये कहता है कि इसी एपिसोड की वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। प्रिसाइज वजह क्या है आई एम श्योर कि वो खुद ही बता सकते। चलिए साथ मुझे जरा से इजाजत दीजिए, मुझे जरा से इजाजत दीजिए, इजाज मियां साहब काफी देर से खामोश हैं। बात ये है कि ये जो टेन्योर की सिक्योरिटी है इसकी वजह से गवर्नेंस में काफी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। अगर आप इनको टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं देंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो सिविल सर्विसेज कभी भी डिलीवर नहीं कर सकती और गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ मैं ये बताता चलूं कि जैसे साद रसूल साहब ने लीगल पोजीशन बताई है वो वैलिड है, बट मैं ये बताता चलूं कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 है अभी वो इन वोग नहीं है। अब जो नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट ने अभी एक जो है वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना है जैसे सिविल सर्विसेज के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, आईजी के साथ, में तो इन्वोग है। लेकिन इसमें अभी तक जो है वो पंजाब में देखिए इसमें इसमें सॉरी मैं वजाहत कर दूं, सॉरी एक कथा कलामी की माजरत, सिंध के अंदर 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, बलोचिस्तान के अंदर 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, केपीके के अंदर 2017 में नया पुलिस ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और पंजाब के अंदर जहां पे पुलिस ऑर्डर 2002 रिपील नहीं किया गया वो इन वोग है। पुलिस ऑर्डर 2002 पंजाब के अंदर इस वक्त इन वोग है। चलिए इसी नोट के ऊपर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।